हेलो गाइस, मैं हूं नीलू और मेरे चैनल निशु ऑलवेज खुश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं बहुत दिनों के बाद एक ब्लॉग लेकर आई हूं और ये है इस्कॉन टेंपल का ब्लॉग जो कि बेंगलोर का है। तो हम लोग जेसी नगर में रहते हैं बेंगलोर के, और यहाँ से 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर ये इस्कॉन टेंपल है। और हम लोग अपनी बाइक कार आए हैं यहाँ पे। देखिए, यहाँ का पार्किंग है और स्पेशियस है काफ़ी, और बेंगलोर का बहुत ही फेमस टेंपल भी है ये। तो ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ। अभी हम लोग चल रहे हैं, अभी मंदिर के अंदर हम लोग प्रवेश नहीं किए हैं। तो धूप बहुत तेज़ थी, इसीलिए लाइट का रिफ्लेक्शन पड़ रहा है कैमरे पे। तो ये देखिए, अभी हम लोग चल रहे हैं और काफ़ी अच्छा है। और ये सीढ़ियों पे देखिए, हम लोग आ गए हैं अंदर। और इस तरह से देखिए, हम लोग अंदर आ चुके हैं। और यहाँ पे मास्क अलाउ है। और देखिए मंदिर कितना सुंदर लग रहा है यहाँ से, बहुत ही अच्छा यहाँ पे काम है मंदिर का। तो मैं चलते हुए वीडियो बना रही हूँ थोड़ा थोड़ा, क्योंकि रुकना नहीं है, ज़्यादा रश नहीं करना है इधर। तो देखिए, सीढ़ियों से हम लोग चल रहे हैं। जो मेन मंदिर है इस्कॉन टेंपल का, उसमें हम लोग अभी जाएंगे अंदर। तो अंदर वैसे तो वीडियो और फ़ोटो के लिए मनाही थी, लेकिन फिर भी लोग खींच रहे थे तो हमने भी थोड़ी सी बना ली है। तो मैं आपको दिखाऊंगी अभी चलते हुए। देखिए भीड़ कितनी है, इसीलिए रुकने के लिए मना किया जा रहा था। तो बस चलते जाना है। देखिए, ये प्रवेश द्वार है, सब हम लोग अंदर आ गए हैं मंदिर के। और ये देखिए, मंदिर के अंदर आ गए हैं। यहाँ पे बीच में लोग बैठे हुए हैं, जिनको बैठ के बैठना है, थोड़ा टाइम एक्सपेंड करना है तो वो लोग बैठ जाते हैं, और जिनको चलना है वो चले जाते हैं दर्शन करके। तो अभी हम लोग लाइन में लगे, ये देखिए। और अंदर से बहुत ही सुंदर, बहुत ही मनोरम दृश्य है अंदर से, आप देख के मतलब बहुत अच्छा लगता है और बहुत ही शांति मिलती है। बहुत ही सुंदर नक्काशी की गई है, लाइटिंग वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा है यहाँ पे। अगर आप लोग बेंगलोर में हैं, जो लोग हैं, और जो लोग नहीं आए हैं वो लोग ज़रूर आए यहाँ पे। ये देखिए, तो ये देखिए इस तरह से जो पिक्चर बनाए गए हैं वो सब कृष्णा के हैं, और उनकी बाल लीलाओं की, रास लीलाओं की पूरे पिक्चर्स वो बनाए गए हैं। और ये संत हैं जिन्होंने मतलब इस्कॉन टेंपल की स्थापना की थी, उनकी भी मूर्ति यहाँ पे स्थापित की गई है। एक एक चीज़ जो है बहुत ही मनोरम ढंग से यहाँ पे बनाया गया है, प्रस्तुत किया गया है। तो अब देखिए, अब हम लोग दर्शन कर चुके हैं, और मंदिर के अंदर ही जो इनके स्टॉल होते हैं वहाँ पे हम लोग आ गए हैं। और देखिए यहाँ पे कितनी सारी बुकें हैं, तो जिनको जो पुस्तक चाहिए या कुछ भी लेना है तो वो ऐसे लेते हैं। हमने भी यहाँ से ली थी गीता, भगवद गीता ली थी हमने यहाँ से। और ये देखिए, तो मैं यहाँ से ले रही हूँ। देखिए, अब हम लोग सीढ़ियों से नीचे जा रहे हैं और आपको दिखाती हूँ और आगे क्या क्या है यहाँ पे। तो इसके अंदर बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें भी मिलती हैं, और जो कि मतलब उसके अंदर शॉप के अंदर जाने के बाद वो वीडियो नहीं बनाने दे रहे थे, तो मैं आपको वीडियो नहीं दिखा सकती। लेकिन उसके अंदर भी शॉप रहती हैं बहुत सारी, तो जो ट्रस्टी लोग होते हैं उनकी जो चीज़ें वो लोग बनाते हैं उसको भी सेल करते हैं।
और यहाँ से हमने प्रसाद ले लिया था, देखिए हाथ में लिया है बेटी ने। और ये देखिए, और नीचे उतरने के बाद ऐसे नाश्ता वगैरह के लिए जिनको खाने की इच्छुक हैं वो लोग यहाँ से लेके खाते हैं। और इधर साइड में देखिए ये सजावट की कुछ चीज़ें हैं, तो ये सब बाहर लगी हुई थी, मतलब मंदिर के अंदर ही है बट बाहर साइड है। तो ये देखिए इस तरह से यहाँ पे अगरबत्ती है और दिया है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी। ये देखिए लोटस फ्लावर, ये देखिए, तो एक से एक चीज़ें थी, तो जिनको जो पसंद था वो लोग ले सकते हैं। देखिए शॉप से अभी हम लोग धीरे धीरे निकल रहे हैं, तो ऐसे ये गैलरी है, गैलरी में इस तरह से पिक्चर्स फोटो लगे हुए हैं, मंदिर से रिलेटेड ही हैं सारे, और बहुत ही अच्छा लगता है देख के। मैं आपको दिखा रही हूँ। और फिर अब यहाँ से अब हम लोग बाहर साइड आ रहे हैं, तो बाहर साइड भी देखिए इस तरह से दुकानें लगी हुई हैं, और इसके अंदर भी काफ़ी दुकानें हैं जिसमें कि अलाउ नहीं था कैमरा और वीडियो के लिए, तो हम लोग अंदर नहीं गए थे। बाकी ये देखिए ये सब सब राधा कृष्णा से रिलेटेड टी शर्ट है, जो भी है ड्रेसेस उस पर सबके मतलब फ़ोटो बने हुए हैं अच्छे अच्छे जिनको देखिए, जैसे इस पर लिखा श्री राधा, अलग अलग टाइप्स के। ये देखिए कृष्णा जैसी कुर्ती बच्चों के, छोटे बच्चों के लिए। ये देखिए पोस्टर्स कृष्णा के, और हैंडीक्राफ्ट की सारी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं। ये देखिए बैग हैं, पर्स हैं, तो मेरी बेटी ने एक इसमें से पर्स लिया तो उसको अच्छा लग रहा था, तो ये तो थोड़ा बड़ा है, आगे चल के दिखाऊंगी जो उसने लिया है। इधर के इसमें से एक पर्स उसने लिया था, और ये देखिए गुड्डा गुड़िया, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें अट्रैक्टिव रहती हैं, हाथ से बनी हुई चीज़ें ये सेल करते हैं यहाँ पे। ये तुलसी माला है, यहाँ से मैंने एक तुलसी माला भी ली थी अपने मंदिर में रखने के लिए, तो मैं आपको दिखाती जाती हूँ। ये देखिए शार्पनर है, उसमें हनुमान जी बैठे होते हैं शार्पनर के ऊपर, और यहाँ से एक पेन लिया था मैंने। तो बस ऐसे ही घूमते हुए हम लोग बाहर को निकल गए। और ये देखिए अब ये खाने पीने की चीज़ें हो गई, तो बस अब इधर से जिसको जो भी खाना है वो लोग यहाँ से लेके परचेस करके खा रहे हैं। मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, देखिए सारी चीज़ें अवेलेबल हैं यहाँ पे। तो गाइस जैसे ही देखिए अब हम लोग बाहर निकलेंगे, नीचे साइड में वहाँ पे प्रसाद मिलता है, और वो नमकीन चावल मीठा चावल जो भी दोनों में से दोनों प्रसाद मिलता है। तो बस देखिए यहाँ पे ये स्टार्ट हो जाता है, तो हमने खा लिया प्रसाद को, और देखिए लोग बैठ के खा भी रहे हैं। तो खाने के बाद अब हम लोग बाहर आएंगे, निकल रहे हैं आप। तो गाइस मेरी ये वीडियो अब लगभग यहीं पे समाप्त होती है, और मेरी ये आज की वीडियो आई होप आप लोगों को पसंद आई हो, और अगर पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो गाइस बस मिलते हैं अपने एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।